देखो समय और परिस्थितियां कब कैसी बन जाए ये किसी को पहले से पता नहीं होता है। लाडला दो चुनाव लड़िया, जब 2018 और भी हूं पहला तो अपन सब एक ही पार्टी परिवार में जुड़ा और 2018 में ऐडी स्थितियां बनी परिस्थितियां बनी और हनुमान जी जकी नई पार्टी बनाई और पूरे जिले बाड़मेर जिले हेंगो ज्यादा लोग बट जयपुर वाली रैली में हा आप हंगो नहीं दियो ने और जद की परिस्थितियों ही भी हिसाब हूं मैं आरपी पार्टी हूं 2018 को मैं चुनाव लड़ियो आप लोगों को खूब आशीर्वाद रहे हो और एक हेंगो मोटी पार्टी ने आप तीजे नंबर राख पर मारे ऊपर एक भाखर सिंह दियो एहसान कर दियो और बिंग बाद में आप सफलता के नजदीक ले गया तो दूजड़ो चुनाव 2023 वालों खूब लड़ियो और सुनाओ आपस में हगा भाई भी हमें लड़े आप होने वाला नमो नारायण मीणा और हरिनारायण मीणा दो हगा भैया और एमपी को सुनाओ दो साहू शायद हमें लड़ियो और हेंगो नहीं आपने ठाए तो सुनाओ आप बूढ़ियों की कहावत है कि हगा भाई भी हमें लड़े तो मैं और हरी जी हमें सुनाओ लड़ियो लेकिन एक भावनात्मक रूप हूँ सुनाओ लड़ियो और दिल हूँ सुनाओ लड़ियो कदी एक दूजे की कोई बुराई और कटाश नहीं की भी और सुनाओ सिद्धांतिक रूप हूँ लड़ियो जनाई अदाल हरी जी कहो कि भाई अपने किताबी मत भेद दूजे लेकिन ऐडी बात कदी नहीं करनी कि हमें आंख आंख मिला ना बात नहीं कर सको तो ऐडी स्थिति और ऐडो भाईचारो हमेशा आगे कायम रहे और सुनाओ के बाद में बहुत ही कंटस्थ मामले के मो रिजल्ट आने के बाद में और वैसे हेमा राम जी में पहल को सुनाव लड़ियो जना देव जी बिन्याल गेटे मौको शिवणी आले में जद हेमा राम जीर सज्जीर और वे पंच अपने रामलाल जीर बट हेंगे ही कहो के उमेश जी थे के मार्ग उल्टो पकड़ लियो जना मैं बोने आई कहो हेमा राम जी अटी बेटा मैं साहब मैंने तो चुनाव लड़नो हो और मैंने मारे हिसाब मार्ग ठीक दिए हो और उल्टो है तो आपको कहना घणो ही करो पर रिजल्ट जो को नजदीक हो जना आदमी भी ने टारगेट ने अचीव करने की हर कोई कोशिश करे खैर सब बातों पुरानी रही लेकिन अब को वारो सुना हो वाकई में एक बाड़मेर जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में ही चुनाव की चर्चा ही और रिजल्ट के बाद में सब लोग पूरे बाईतुई जनता नहीं पूरे बाड़मेर के लोगों की आई भावना ही कि उमेश जी आपने थोने कोई मोटूड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने पकड़नी चाहिए जिन्हें मैं ही सोचियो कि आपस में अपनों कद तक लड़ो आज दो दो चुनाव लड़ लिया दो दो चुनाव लड़ने के बाद में इतो बढ़िया माहौल होने के बाद में भी अपन कोई सफलता नहीं मिली जना आप लोगों को कहना करना पड़ो ए माधु जी बेटा हमें हृदय मन कहता दौल जी भी कहता रोहन जी भी कहता सब लोग अब ना लू तो हेंगो कोई मैं जानो ही हूँ पर आप लोगों की डूंगर जी वगैरह सब बेटा आपकी आई सलाह ही कि आप एक नेशनल पार्टी में ज्वाइन हो जियो और हेमा राम जी की भी आई सलाह कि उमेश जी थे आदमी तो मन हकड़ा लागो पर कोई पार्टी पकड़ो इमें हेंगो ज्यादा भूमिका हत्ता राम जी की ही रोमा राम जी की ही और हैंग बूटी जकी सलाह दीनी मैं कोई काम कियो और मने मारे अंत में हकरो लागियो जो कोई काम कियो के रहनो तो अपने ही तू रहनो और अपनो कद तक लड़ो ई कारण वो निर्णय लियो मेरे हिसाब पूरे राजस्थान के लोग पूरे बाड़मेर के लोग मारे निर्णय को स्वागत कियो और रही बात हनुमान जी की कई लोग कहे के हनुमान जी ने थे छोड़िया क्यों हनुमान जी के यो क्यों कियो तो मैं आपने आई कहना चाहूं कि हनुमान जी भी पिछले 10-15 सालों संघर्ष कर रहा है अपने लिए संघर्ष कर रहा है लेकिन एकला कब तक लड़ी विधानसभा चुनाव पहले भी आ बात हुई कि गठबंधन करना चाहिए और बीत अलग अलग लड़ने हूं कोई खास फायदो नहीं हो
बार और गठबंधन चुनाव लड़ रहा हूँ और अटे आप लोगों की जगह भावना ही आप लोग पहले कहो के थोड़े आर एल पी वाले सिंबल थारी पार पड़े को नहीं। अगर जो चुनाव लड़नो है तो कांग्रेस के सिंबल ही चुनाव लड़नो है, अगर कांग्रेस के सिंबल चुनाव लड़नो है तो कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा जुड़नो पड़ी। और एक चीज आपने मैं भरोसा दे रहा हूँ, मैं जब तक हनुमान जी के हाथे रहे हो ईमानदारी रहे हो, 2018 वालों चुनाव ईमानदारी लड़ियो और 2020 वालों पंचायती राज चुनाव बड़ी ईमानदारी लड़ियो और मैंने उन्हें डिगमिग होने की अड़ी कोशिश भी करी लेकिन मैं मारे निर्णय अटिक रहे हो और जगह माने ठीक लागियो और बाड़मेर की जनता ने ठीक लागियो बटे ही रहे हो और 23 वालों चुनाव भी बड़ी ईमानदारी लड़ियो और आगे आप लोगों ने हंगो नहीं विश्वास दिलाऊं कि सभी लोगों ने मैं हाथ लेन चलूं, चाहे मारा पुराना कार्यकर्ता है चाहे मारा अबार पूरा परिवार एक हो गयो पार्टी कांग्रेस और आरएलपी को, वैसे ही पूरे राजस्थान में गठबंधन है तो हनुमान जी को भी प्रयास है कि हाथ मिलन लड़ो तो सफलता मिली और आज सफलता आगे तक भी चलती रहनी चाहिए और अपा सब मिलन आखिर भाई भाई आपस में कभी लड़ो नहीं और हमेशा मिलन चुनाव लड़ो तो सब ने फायदो हुई और आज जकी देश की हालत बनूड़ी है। बाकी हूँ छोनी को नहीं मारा पूर्व वक्ताओं जो को बतायो मैं हकी बातों तो नहीं दोहराऊ पे तो मोटा मोटी इतो ही क्या हूँ जो को की काले धन की बात करे यानी कि विदेशों के मो कालो धन पड़ियो जो को हैंग लिया हो तो वो तो पंतर गया पर आपके कन कालियो धन अभी धोड़ो कण में लग उड़ा है इलेक्ट्रो बॉन्ड के हिसाब बार सब पूर्व वक्ता होनायो। हम मेरे कोई भी गलती करे वो कोई गलती नहीं है, बीजेपी में आयो और गंगा नायो आ स्थिति पूरे भारत में हो रही है तो आगे हैंगी लोगों के मुंह थोड़ा डर है कि हम रहे हो तुम्हारे माथ के होई के नहीं होई तो और ऑर्डर अपन कार्ड नो है जो को बैंप कार्ड नो है जबकि मोटी मोटी बातों मोदी जी आया इत करन गया पहल के 2000 शब्द में धनठाई है जब 2000 शब्द में बालोतरी आया जना घना ही अपन हपना दिखाया और बिंग बाद में हपना तो रोज मोटा मोटा दिखावे पर बे खाली हवा हवाई बातों है। रही बात कैलाश जी की पहल के पो घनी उम्मीदों के हाथे हेंगलाई हाथे ओबरा और कैलाश जी क्योंकि पहल के तो गठबंधन आरएलपी को होत बीजेपी के हाथे हो जनाब मैं तो हेंग बंग हाथ दौड़े हाँ आप सबने जो नहीं है और दौड़िया तो ईमानदारी में दौड़िया और आप लोगों की सबकी इच्छा ही लेकिन उनकी भावनाओं के माते मैं खरा नहीं उतरिया हेंगो हल्लो सहयोग किसानों ने कियो और हेंगो ज्यादा निराश किसानों ने होने पड़ो हेंगो चाहे कृषि फसल बीमा क्लेम हो जो को अपो हजारों करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में किसान और सरकार का बीमा कंपनियों लेगी और वे घोटालो घपलो कर रुपया खान गिबरी और कृषि क्लेम के नाम आते अपने कोई खास नहीं मिलियो कोई राजी करिया किंगी 1000 रुपया आया किंगी 2-2.5 हजार आया एडो अपने शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ी। इंगे हाथ आते किसानों की आय दुगनी करने की बात करया के 2023 आय जड़ किसानों की आय दुगनी करते हो लेकिन 2023 निकल भी गयो और आय दुगनी आलो फंडो पे पहुंचरी गया हमें कोई नुआ नुआ जब पकड़ लिया और अपने तो सांसद साहब मंत्री साहब हमेशा मोदी जी का बखौन कर नहीं थक गया बोएंगे अलावा बोए कहीं कीड़ू मने दिखे को नहीं हमेशा आई कहता कि मोदी जी यो कहो और मोदी जी यो कहे अरे मोदी जी तो कहो सब बढ़िया कहो पर ठेके कियो भंगो थाने जगी उम्मीदों के हाथे अटो चुनन भेजा दिल्ली बिंग मात ठेके कियो जगी जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना आई बिंग माते कोई पैर भी नहीं की एक दिन पार्लियामेंट में जान आवाज उठाता कि आप बाड़मेर जैसलमेर की लोगों की मांग है बिंग में को नौ ही तक नहीं लियो और एयरपोर्ट को सपनों दिखाए उतरलाई में अजी तक बैठे कोई जीरो काम होयो बिंग आते आते अब आर एमआर राम जी के बट क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केंद्र के नौ माते एक बिट भाटो रोपियो और हमें तो यूं बताओ भाटो ही कौन बैठो कोई ले गया एडी हालत थोड़ी है। खाली भाषणों में अमन घने कया एफटीए बनाना चाहिए मछलियों पालनी चाहिए खूंगियों लगानी चाहिए
मोदी जी कहो कि बाजरी जीवनी सही जे दलियो जीवनो सही जे अड़ा भाषण होने पांच साल यू हलो तो अपने कहीं बंद मिलियो को नहीं तो ऐसी चीजों ने हंगो नहीं ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने मजबूती हूँ ऐसा चुनाव लड़ना है। मैं तो दो चुनाव भाई लड़ लिया अब डूंगर दिए नरीजी हैंग कहो जगी बात है अब ऐसा चुनाव आपने लड़ना है। लाल चुनाव में भी मैं धन्यवाद दू कार्यकर्ताओं ने मारो खूब सपोर्ट की और मेहनत की भी और मैंने स्टेज तक ले आया लेकिन अगला चुनाव भी आपने ही लड़ना है आपके भरोसे ही है और चुनाव जद ही जीती जे जब जनता खुद चुनाव लड़े जद ही जीती जे बाकी उम्मीदवार कितना ही अपना देख ले मैं यूं कर दूं भी यूं कर दूं भी कदी नहीं हुए। मैं आपने एक ही चीज को भरोसा दे रहा हूं कि मैं हमेशा आपको ही रूला आपको बेटो हूं आपको भाई हूं और हमेशा आपको अपना बनना अपना हित के हिसाब हूं आपके बीच में रहे और आपकी सेवा भाव हूं काम करूंगा इस चीज को आपने भरोसा दे रहा हूं। और कहने की थी बातों घनी लंबी चौड़ी है दो चार एक आपने मैं बढ़ोना दे दूं कि एक तो आप एक एक कार्यकर्ता कड़ी उ कड़ी मेहनत कर बूथ मैनेजमेंट लेन रूट मैनेजमेंट तक रूट मतलब अपने के हिसाब चुनाव लड़ना है वो एक प्लानिंग के तौर माते अपन चुनाव लड़ना है सपने हाथ लेन चुनाव लड़ना अदाल हरी जी बताई जगी बात ही आपने ध्यान रखनी है कहीं देखो कि अपन घने हैंग कर ले बा नहीं सब कम संख्या लेन हल्ली हल्ली संख्या तक हरेक आदमी ने अपने हाथ लेन अपने चलना है तो आप एक एक कार्यकर्ता खुद उम्मीदवार बनन खुद अपन चुनाव उम्मीदवार बनन चुनाव लड़ो जदि यो चुनाव अपन पार पड़ेला। कई लोग फोन करी के मैं थे मोने पूछियो को नहीं कई लोग कई मोने बतलाया को नहीं तो आप सब इन मंच के माध्यमों में हाथ जोड़न अपील करूं कि आप कृपया कर और एडी चीजों ने खुद मैनेज करो लंबो छतर है हेमाराम जी ररी जी रब सब बुलाने दीनी के भाई तू तो आप नो अपनो ही है थे मन हैंग जनो और मारे व्यवहार आसरण चरण सब थे पहचानो तो माने भाई तू मैं कम कम टाइम दे दी और माऊ कोई फोन करण तो आगो गयो माऊ फोन नहीं उठाई जाए तो आप री मत करियो और कोई थोड़ी घनी री कर ले बिने थे आपस में थोड़ी समझाना है और 75 और 76 मिलान किताब है 153,000 हुए और 1,08,000 थे दराव जनात मौन थे हगड़ी ईमानदारी हूँ कड़ी मेहनत की हुई है और मैंने अच्छा ही नहीं आपके माते पूरो पूरो भरोसा है कि आप करन दिखाओला और मैं भी आपने वादो करूं कि मैं आपने विश्वास दिलाऊ कि आपके भरोसे के माते में पूरो खरो उतरूंगा आपकी भावनाओं के हाथ है कभी कुठारा घात नहीं करूंगा और आदरणीय हेमाराम जी मैंने आपके बेटे बराबर समझ और नई शुरुआत की भी है आपके हाथों पौधो लगाए हुए तो इन्हें पनपाऊंगी और इन्हें बड़ो वट वृक्ष बनाऊंगी आप सबकी जवाबदारी बने हेमाराम जी और पूरी अपनी कांग्रेस की टीम सब संगठित हो और अमीन खान जी साले मोहम्मद जी पूरा भाई पूरी टीम है नहीं जगी अपनी कांग्रेस की सब तन मन धनु लाख नो प्रयास करी जिन यो प्रयास सफल होला मामलो बड़ो कंटस्थ है और समय भी अब चुनाव को अलग भी रूप हो सके जो जो चुनाव नजदीक आई कई तरह का पैंतरेबाजी हुई कई तरह की अफवाह आई कई तरह का हा उलट हुई लेकिन आपने अपनो सिर्फ सिर्फ एक ही मिशन याद रखना है कि आज ठीक एक महीनों बाद में आने वाली 26 अप्रैल का लोकसभा का चुनाव है और अपने चुनाव सिने हाथ को निशाने पे वही टारगेट ध्यान रखना बिंगे अलावा कोई चीजों में आपने ध्यान नहीं देना नहीं कोई अफवाहों में ध्यान नहीं देना और मैं आपने फिर भरोसा दे रहा हूँ कि आपस में भी छोटो मोटो कोई भी मन मुटाव नहीं रखना है अपन संगठित रूप हूँ मिलन सब चुनाव लड़ रहा हूँ और वो भी आपके मन में कभी भाव नहीं आना सीजे क्या लाले चुनाव के टाइम में थोड़ी घड़ी कोई आपस में का सुनी होगी हुए तो भी नहीं जजब नहीं दे जाइयो और भाई भाई आपस में एक दूसरे की थापो कौन मरे वो आप बात चीज आप ध्यान में रख ले हो तो एडी कोई भी चीज अपने आड़ी नहीं आवेला जबकि आगे के लिए बाधा बनेला अपन एक हो और आगे चलो तो नई उच्चाइयों तक जाओ और मैं आपने वही वादो करूं मारो मेन टारगेट रही
एजुकेशन के में सुधार करना जो को जगह की शुरुआत में बाईतु क्षेत्र की स्कूलों की हुई है वो सेम को सेम पूरे राज्य पूरे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक स्कूल में डिजिटल एजुकेशन ने बढ़ावा देने में पूरे पूरे ईमानदारी प्रयास करूंगा और इन हाथे हाथे मूलभूत सुविधाओं है और अपने एरिया की जगह मांगो है जगह लंबे समय में लंबित पड़ी है बाकी मजबूती हूँ आप मैंने मौका दे तो मैं मजबूती हूँ पैर भी करूंगा और हेमाराम जी और हरीश जी रो चाले मोहम्मद जी अमीन खान जी जो को निर्णय लियो है बाकी बात कभी हल्को नहीं लागन दूंगा इस चीज को आपने पूरे पूरे में भरोसा दे रहा हूँ। बाकी नहरी क्षेत्र की बहुत समस्याओं है अपों के नहर मत मुरबा तो ले लिया पर आज भी बेत कितनी समस्याओं है पानी की समस्याओं है पानी बारी अपने पूरी मिले को नहीं वो नहर मुरबो माते लाइट नहीं है अब खाली बेत खड़े जोन है जी अपने पासो आनो पड़े पर मैं आपने वही वादो कराऊ कि जब भी आपकी कोई समस्या होई मैं आगे की पंक्ति में आपके हाथ संघर्ष के लिए आगे की पंक्ति में खड़ो रूला। आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद और हरिजी इमाराम जी और सभी बतायो कि भाई तुम्हें कम मुकम टाइम दे जिला आज तो थारे हेंगो ने आप भड़ौन देव आरू बुलाया कि आप अपने मिशन में लाग जियो और एक दिन जबकि भाई तूर बटाडूर गिडार पटोदी के रूप में एक मोटो हगड़ो रेलो ठापरो पूरे पूरे जिले ने आप संदेश दियो और भाई तू का एक एक वोटर एक एक कार्यकर्ता पूरे जिले ने आपने ही मैनेज करना है जिले को साथ है लेकिन हैगो पहला साथ आपको हो जो ना पूरे जिले को साथ रहेगा। बैठा 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 पूरी एक इम्पोर्टेंट काम अभी बाकी है बैठिए आप मुख्य काम बाकी बैठो और आने वाली 3 तारीख को नामांकन है और नामांकन रैली बड़ी ऐतिहासिक वाला काल अपन घरे दियाली के रामा सामाओं की रेवन को प्रोग्राम रखो जितना भी खूब लोग आया बने भी आई भलोन दिनी और बमो आधा आज भी आया हो वो हेंगो नहीं और आज नया आया जगो नहीं एक ही भलोन दू के आने वाली 3 तारीख ने नामांकन रैली ऐतिहासिक होनी चाहिए और पूरे राजस्थान में एक नंबर जो को जुलूस और रैली अपने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की होनी चाहिए। आप सबने बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।